राम राम जी सभी दर्शकों को। बाबा की खरी खोटी ये मेरा नया चैनल है, इसमें आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर मेरे साथ है व्यालोक भाई। अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और मैं ज्यादा ना फॉर्मेलिटियों में पड़ता नहीं। व्यालोक भाई स्वागत है। नवरात्र की सभी दर्शकों को, नवरात्र की सभी दर्शकों को आपको शुभकामनाएं सपरिवार, जय माता की। मैं ना आज एक वीडियो आ गया मेरे सामने जी, बंगाल का था, तो उसमें एक सज्जन जो है वो बकायदा बहुत अच्छे सुर में जो है, हैं? या देवी सर्वभूतेषु, क्या बढ़िया गाया है उन्होंने, मजा आ गया था जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा और हजारों की भीड़ थी, बंगाल की बात है, दुर्गा पूजा फेस्टिवल, या देवी सर्वभूतेषु। उसके बाद अल्लाह अल्लाहु अकबर गाने लग गए, मतलब सेक्युलरिज्म की क्या गंगा जमुना बहाई है आज उन्होंने, ये आज सुबह की बात है सर। फिर एक और हमने दुर्गा पूजा की प्रतिमा देखी आज एक पंडाल में, उसमें से उनके हाथ से सभी अस्त्र शस्त्र गायब है। एक और मतलब अब माँ दुर्गा के हाथ से सभी अस्त्र शस्त्र निकाल के क्या मैसेज देना चाहता है हिंदू समाज। इससे कल परसों एक और वीडियो देखी जिसमें दो तीन हुजूरी रागी सिख गुरबाणी के मंच से अल्लाह अल्लाह करके क्या भजन गा रहे हैं। और एक तरफ हमारे अपने कथावाचक हैं वो मुरारी बापू, वो राम कथा कहने के लिए फेमस है, उनका पूरा धंधा राम कथा से चलता है, वो भी अल्लाह 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 पता नहीं क्यों ऐसे ही कुछ गाते हैं, सेक्युलरिज्म का राग वो भी अलापते हैं। तो मुझे एक बात ही समझ में आती व्यालोक भाई, ये एक तरफा प्यार, अरे भैया तुम दुर्गा पूजा में अल्लाह अल्लाह गा रहे हो तो उनसे भी कभी ईद पे जो है या देवी सर्व भूतेषु गवा लो ना, या रामधुन गवा लो उनके मस्जिद से भी, तब तो समझ में आए कि आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू टू, सोना बाबू का असली प्यार तो तब आएगा ना। अकेला बाबू प्यार करता रहेगा, सोना कब करेगी। और बाबू को सर समझ में काहे नहीं आ रहा है कि उसके सोना के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। बाबू को हुआ क्या है सर? देखिए, इस सवाल का सीधा जवाब देने के पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आपने एक और वीडियो या फोटो नहीं देखा, वो और मजेदार है, बंगाल से आया है। उसमें दुर्गा माता की प्रतिमा में चेहरे की जगह ममता बानो का चेहरा चिपका दिया गया है। अच्छा, ये शायद आपने नहीं देखा है जी। नहीं, मैंने नहीं देखा। अस्त्र शस्त्र विहीन तो कर ही दिया गया है माँ को, उसमें ममता बानो का चेहरा भी चिपका दिया गया है। और आपने जिस एक बंगाली की बात की, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने पूछा है सवाल कि बाबू सोना में बाबू को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इसको मैं दर्शकों के लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हिंदुओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, सनातनियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। सनातनी वो सनातनी एक तरफा प्यार में नहीं है, सनातनी आत्मघात की राह पर चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसे एक तरफा प्यार या दो तरफा प्यार नहीं कहते, इसे अहमन्यता कहते हैं, जड़ता कहते हैं और महामूर्खता कहते हैं। जब मस्जिदों से दिन में 5 बार यह उद्घोष हो रहा हो जिस देश में कि एक वही है और उसकी पूजा करने के बाद अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं है, जब हर एक मुसलमान लीडर या मौलवी यह कहता है कि हमारा माबूद एक ही है और हम देश के आगे भी नहीं झुकेंगे, वंदे मातरम से हमें इसीलिए दिक्कत है क्योंकि हमारा माबूद एक है, यानी झुकने योग्य,
अब ये अलग बात है कि बहुत सारे मुसलमान पैरों में भी झुक जाते हैं, राम राम भी कह देते थे, अब इस पीढ़ी में नहीं कहते हैं। उस पर हम लोगों ने एक बार बात की थी कि क्यों होता है। 1200 वर्षों की लगातार गुलामी ने हिंदुओं को आत्महंता बना दिया है, और हिंदुओं की हरेक कौम, हरेक समुदाय आत्मघात के रास्ते पर बढ़ नहीं रहा है, दौड़ रहा है। वो आप गुजरात से लेके मिथिलांचल तक जाएं, और आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएं। कश्मीर में तो खैर हिंदू अब बचे नहीं, कुछ एक बचे होंगे जो सब जबरदस्ती होंगे या नहीं होंगे, या जिन्होंने खतना करवा लिया होगा वही बचे होंगे। गुजरात के गरबा वाले जो पंडाल हैं उसमें जरा जाइए और उसमें देखिए वो क्या हो रहा है। उसमें दुर्गा पूजा को छोड़ के तो सब हो रहा है। अभी परसों एक मियाँ जी पकड़े गए हैं जिनकी धुलाई हुई, उनको ले जाने वाली कौन? हिंदू लड़कियां। और वो भाई साहब वहां जाके कहां बरामद हुए? सरकारी शौचालय जो बनाया गया था पंडाल के आगे वहां पर, और दोनों पता नहीं किस कृत्य में, किस कृत्य में क्या लिप्त होंगे, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में थे। तो सनातन का 1200 वर्षों में ये हाल हो गया है, हिंदुओं का इतनी घृणित कौम हो गई है ये कि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। और इसमें सबसे लीचड़ और सबसे घटिया, सबसे नामुरा, सबसे नापाक कौम है बंगालियों की। अच्छा, जिसे वोक कल्चर कहते हैं ना, वो वोक कल्चर बंगालियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि वो आज की दुनिया में है ही नहीं। आप बंगालियों के बहुत सारे पोस्ट में देखेंगे, मैंने तो देखना बंद कर दिया है, बहुत सारे पोस्ट देखेंगे कि दुर्गा हमारी बेटी है, हमें इसमें धार्मिकता नहीं तलाशनी है, ये हमारे लिए औत्सविक है, और हम इसमें कहते हैं ये धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक उत्सव हो चुका है। जी, धर्म निकाल दिया उन्होंने। नहीं, हो नहीं चुका है, मतलब वो बनाएंगे। और मैं तो चूंकि नवरात्र के 9 दिन मैं तो शक्ति का उपासक हूं, तो इन मूर्खों से, इन जाहिलों से मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो पंडाल लगाते हैं उसमें जो मूर्ति स्थापना होती है, क्या वह मूर्ति बिना पूजा के रहती है? और हिंदुओं का कौन सा ऐसा पर्व है, कौन सा ऐसा त्योहार है जो औत्सविक नहीं है, जिसमें सांस्कृतिक कर्म नहीं है और जिसमें धार्मिकता नहीं है? होली में आप मुझे धार्मिकता का एंगल बताना चाहेंगे तो मैं आपको काटता चला जाऊंगा, और होली में आप कहेंगे कि धार्मिकता नहीं है तो भी मैं आपको काटता चला जाऊंगा। तर्क की शक्ति जिसके पास है वो ये कर देगा। दुर्गा पूजा में आप धार्मिकता निकाल देंगे तो दुर्गा पूजा बचेगा क्या? और ये वही तर्क है जो कम्युनिस्टों ने, कुकर्मी कम्युनिस्टों ने इस देश में देना शुरू किया, जिन्होंने दुर्गा पांडालों से राजनीतिक माहौल शुरू किया, उसको कपटी कांग्रेसियों ने, व्यभिचारी वामपंथियों ने लगातार हवा दी, और आज ये लीचर बंगाली इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो दुर्गा पूजा के नाम पर आए बाए साए कुछ भी बक रहे हैं। कल एक लौंडा बोल रहा था कि यह हमारे लिए धार्मिकता नहीं है, एक लौंडा लिखा है उसी के नीचे कि हमें बांटो मत, इसमें मुसलमान भी आते हैं। कितने मुसलमान पूजा करते हैं भाई दुर्गा की, मुझे जरा बताओ ये। और तुमको उत्सव और धार्मिकता का फर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो हिंदुओं का हरेक पर्व, बीच में बिहारियों ने शुरू किया है पिछले कुछ साल से, मैं देख रहा हूँ छठ एकमात्र पर्व है, लोक पर्व है, इसमें पुरोहितों की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह भाई, हमारे किस पर्व में पुरोहित की जरूरत पड़ती है यार, मुझे जरा ये बता दीजिए। मैं दुर्गा पूजा करता हूं, मैं दिवाली करता हूं, इसमें किस में पुरोहित की जरूरत पड़ती है? जी बताएं। अच्छा, अगर हम इनके तर्क को मान लें कि ठीक है भैया ये धार्मिक नहीं, ये उत्सव है, ये सांस्कृतिक है, तो फिर जेएनयू में दुर्गा पूजा मनाने में इन लोगों को क्यों आपत्ति थी? मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं कि ये जो है ना, ये लीचड़, मैंने कौम क्यों कहा? देखिए, अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सटासट उबल किस कौम ने शुरू की? बंगालियों ने और मद्रासियों ने। सबसे ज्यादा वोक कल्चर कहाँ पाया जाता है? बंगालियों में और मद्रासियों में।
वो डेंगू मलेरिया कोरोना पार्टी जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में ही है ना। इन लोगों को क्लर्क बनाया गया, इन लोगों को बाबू बनाया गया, और ये लोग समझते रहे कि बाबू मतलब बहुत महान बात होती है। भाई बाबू डेरोगेटरी वर्ड है, बहुत ही घटिया उसका अर्थ होता है। और बंगाली वही बने, राजा राम मोहन राय ने सो कॉल्ड अलख जगाई, लेकिन राजा राम मोहन राय क्या थे, उनका ब्रह्म समाज क्या है? कुल मिला के सारा का सारा उन्होंने न्यू टेस्टामेंट उठा लिया है उसमें। और वही काम इन लोगों ने किया कि सेकुलर शादी करेंगे हम, जो वहां उस पेरियार ने शुरू किया कि हम सेकुलर शादी करेंगे। ऐसे तो देखिए क्या कर रहे हैं ये, इनके वोकिज्म में ये समझ में नहीं। जैसे उसने लिखा कि हम इसमें मटन भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे, फलाना भी खाएंगे, ढिमाकर। अबे साला तुम अपनी माँ को खा लो, तुम अपने बाप को खा लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इसको पूरे हिंदू समाज और पूरे इस पर मत थोपो। भाई मैसूर में 800 वर्षों से दुर्गा पूजा हो रही है, बस्तर में 800 वर्षों से हो रही है, किस जगह कहां नहीं हो रही है। ये जो इन लोगों का कल्चर है ना, कि पहले इन्होंने देखिए बांटने की कितनी कोशिश है, कि पहले इन्होंने साउथ और नॉर्थ बांटा, अब ये बंगाली जो है ये तो मतलब कुल्हाड़ी इन्होंने लपेटी नहीं है, ये कुल्हाड़ी में दो चार लपेट के और लुढ़क रहे हैं। ये पूरा का पूरा बंगाल आज बांग्लादेशी घुसपैठियों से आक्रांत है। जब ममता बानो को मन होता है वो रामनवमी का जुलूस रोक देती है, जब मन होता है वो दुर्गा पूजा का जो भसान होता है उसको भी रोक देती है। अगर अभी ईद वीद आ जाए तो वो कह देगी कि एक दिन बाद भसान करेंगे, मतलब मुहूर्त का कोई महत्व तो नहीं रहा। भाई भारतीय हिंदू पर्व जितने भी हैं उसमें मुहूर्त से होता है सारा काम। जी मुझे बताइए, मां दुर्गा को शस्त्र विहीन करने के पीछे क्या राजनीति है, क्या सोच है? अच्छा एक दूसरा सवाल, क्या ये सब सचमुच सिर्फ मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण है या इसके पीछे और भी कोई गहरी साजिश है? नहीं, एक तो ये मुस्लिम वोट का साजिश का तुष्टीकरण है, उसकी साजिश है, और दूसरी बात यह है कि आप अगर वो लोगों से मिलेंगे तो वो सीरियसली ज़ॉम्बी हो चुके हैं, उनको नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमारे साथ मुसलमान भी आते हैं, हम नाचते हैं गाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ दीजिए कि अजान में क्या बोला जाता है तो उनको नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है, क्योंकि उन्हें माले गनीमत नहीं पता है, उन्हें मुशरिक नहीं पता है, उन्हें वाजिबुल कत्ल नहीं पता है। तो मैं बार बार जो कहता हूं कि हिंदू गीता पढ़े या ना पढ़े, उसे कुरान जरूर पढ़नी चाहिए, और हर एक हिंदू के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि वो कुरान पढ़े। और तब ये जो वोकिज्म है ना, इन लोगों को देखिए, पूरा का पूरा बंगाल कट गया, आज का जो बांग्लादेश है वो बंगाल ही था। तुम इतने बड़े बंगाली बन रहे हो तो ससुर बांग्लादेश में कहे नहीं पूजा होती है? बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों भगा दिया गया और तुम भाग के रो कलप के इधर क्यों आए? तुम्हारा अगर बंगाली कल्चर है, ये जो सब नेशनलिज्म है ना, उपराष्ट्रीयता, कश्मीरी हिंदू इसी चक्कर में मारे गए, उनको भी कश्मीरियत कश्मीरियत, तो सबसे लीचड़ कौम सबसे पहले मारी गई, कश्मीरी सबसे लीचड़ थे मारे गए, अब मारे जाएंगे बंगाली, क्योंकि उनके दिमाग में यह है कि हम बंगाली हैं। वो आपको हिंदुस्तानी बोलेंगे, इतने बड़े वो कल्चर के वो नुमाइंदे हैं, वो कहेंगे कि तुम्हारे हिंदुस्तान में होता होगा, वाह भाई। तो उनको न देश से मतलब है न धर्म से मतलब है, उनके लिए पंडाल का सीधा मतलब है कि वहां पर जाके नैन मटक्का करना, वहां खाना पीना, आप खाओ पियो। इस देश में, भारत में, और खास तौर से सनातन में पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस बंगाल ने रामकृष्ण को पैदा किया, जिस बंगाल ने विवेकानंद दिया, जिस बंगाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिया, जिस बंगाल ने सुभाष बाबू दिया, उस बंगाल की आज ये हालत है। दुर्गा माँ को शस्त्र विहीन कर दिया है और कह रहे हैं कि हमें
मुझे एक एक, एक चीज बताइए, दुर्गा माँ को शस्त्र विहीन करके ये अपने मुस्लिम वोट बैंक को संदेश क्या दे रहे हैं, मुझे इस जेस्चर का मतलब बताइए। ये संदेश ये दे रहे हैं कि जब तक दुर्गा माँ शस्त्र धारिणी हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम हम गाते हैं उसमें ही है ना, त्वम दुर्गा दश प्रहरण धारिणी जी, उसको जब ये शस्त्र विहीन करते हैं तो यह हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी, मुस्लिम समाज को यह देते हैं कि अब पूरी तरह मैदान तुम्हारा है, अब तुमको जो मन है वो करो, और हिंदुओं को ये देते हैं हमने शस्त्र त्याग दिए हैं तुम्हें जैसे जो करना है करो, और हिंदुओं को जो पहले ही बैकफुट पर हैं, जब माँ शस्त्र धारिणी हैं तब तो हम लोग इतने पीछे चले गए हैं कि हमें जो मन आता है वो हमारा धर्म समझा जाता है, जिसको मन आता है वो वैसी व्याख्या कर जाता है, जिसको मन आता है वो हमसे कह देता है कि तुम कम्युनल हो, तुम फलाने हो, जबकि ये दिन में 5 बार बड़ी बड़ी मस्जिदों से चिल्लाते हैं कि एक अल्लाह है, उसी की पूजा जायज है और उसके अलावा किसी की पूजा अलाउड नहीं है, ये एक सेकुलर देश में ये करते हैं। अगर आप सेकुलर हैं तो आप अजान पर रोक लगवाइए भाई, सर्वधर्म संभव है ना, तो आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? जो 57 मुस्लिम देश हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी की पूजा के लायक नहीं है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस देश में 15 तरह के धर्म हैं, हजारों समुदाय हैं, उस देश में एक मस्जिद से लगातार ये दिन में 5 बार कहा जा रहा है कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी की पूजा करने के लायक नहीं है और कोई पूजा नहीं कर सकता है, ये कितनी मजेदार बात है। अच्छा, और इस पर ये वो कब बोलते हैं व्यालोक जी, मैं आपको अच्छा जी, बंगाल से निकाल के मैं आपको पंजाब में ले आता हूँ जी। गुरुद्वारों में नमाज पढ़वाई जा रही है, गुरुद्वारों में रोजा इफ्तार हुए हैं, गुरबाणी के मंचों से अल्लाह अल्लाह गाया जा रहा है सिख रागियों द्वारा, कोई अपने इतिहास को इतनी जल्दी भुला देगा? और वो इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है, 250-300 साल पहले का है, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास है। दशम गुरु के परिवार के साथ, उनके साथ इस कौम ने क्या किया है, 7 साल और 9 साल के बच्चों को दीवार में चिनवा के मतलब जिबह किया गया, उस कौम को ये रोजा इफ्तार करा रहे अपने गुरुद्वारों में। एक मिनट, गुरुद्वारों की और गुरुबाणी की एक नियामक संस्था है जिसका नाम FGPC है, जिसके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए का सालाना बजट है, वो जरा मतलब मर्यादा के नाम पे वो किसी को भी अकाल तख्त में समन कर लेते हैं, तनखाइया घोषित कर देते हैं, सजाएं देते हैं, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। उनके जो सो कॉल्ड एनफोर्सर्स हैं वो आपके घर में घुस जाते हैं, अगर जरा सी आप मतलब वहां इंदौर में एक परिवार, एक सिंधी हिंदू परिवार ने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब की वो रखे हुए थे, उनकी स्थापना की हुई थी, उनके घर में पहुंच गए कि नहीं मर्यादा का पालन नहीं हो रहा, हम अपना गुरु ग्रंथ साहब उठा के ले जाएंगे। मतलब एक तरफ तो तुम्हारा ये होलिगनिज्म है, दूसरी तरफ तुम्हारे ही गुरुद्वारे में रोजा इफ्तार हो रहा है, नमाज पढ़वाई जा रही है और अल्लाह अल्लाह गाया जा रहा है उस मंच से जिस मंच से गुरबानी गाई जा रही है। एक मिनट, तुम रोजाना बेअदबी चिल्लाते हो, रोजाना तुम बेअदबी के नाम पे मासूमों का कत्ल करते हो, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? मेरा एक सवाल है,
अब इस पर मैं आपको बताऊं कि वो कल्चर से तो इसका लेना देना है ही, इसके पीछे राजनीति और अर्थशास्त्र को भी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं बंगाल का बता देता हूं। बंगाल में जो दुर्गा पूजा समिति होती है, उनका प्रभाव और उनका पैसा, मतलब लाखों का पंडाल बनता है, लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों का बिजनेस है, मतलब पूरा का पूरा एक दुर्गा पूजा का व्यापार जो है वो मुझे लगता है कि साल भर के जीडीपी के बराबर होगा बंगाल के। इतना जो पैसा है उस पर कब्जा करने के लिए, आपको आश्चर्य होगा जान के, मैंने तो अब आश्चर्य करना बंद कर दिया है कि बंगाली इतनी वाहियात कौम है कि दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव मुसलमान होते हैं। इससे मजेदार बात आपको क्या मिलेगी। उसी तरह ये जो सिख हैं, ये जो लगातार बेअदबी के नाम पर इन्होंने मुझे याद आ रहा है कि वो जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन चला था उस दौरान भी इन्होंने सड़क पर एक को टांग दिया था, मतलब बाकायदा ऐसे सूली की तरह लगा के, और बेअदबी के नाम बहुत ही गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी और शायद मानसिक रूप से भी मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था, और उसको इन लोगों ने टांग दिया था। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी मुगलों से ऑब्लिक मुसलमानों से इस्लाम से लड़ने के लिए। हर एक हिंदू घर का बड़ा बेटा, अभी ज्यादा नहीं, 30 मुझे लगता है 30-40 साल पहले तक कम से कम पंजाब में हिंदू घर का बड़ा लड़का केसधारी सिख बनता था, ये बिल्कुल तय बात है। दशम गुरु को इन्होंने मारा, अर्जुन देव को मारा, पंचम गुरु, षष्ठम गुरु, सबके साथ, औरंगजेब से लेके शाहजहां से लेके जहांगीर, सबके इतिहास है। आज जो ये कर रहे हैं, आश्चर्य होगा किसी को भी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि इनके क्षुद्र ये गुरु की राह पर तो है ही नहीं। जो भी ये कर रहा है, जो मौला मौला गा रहा है, जो लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, वो गुरुओं की राह पर तो है ही नहीं। वह जो भी कर रहा है वह एक पॉलिटिकल स्टंट है, और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में एक सुलेमानी कीड़ा है, वो है खालिस्तान का। खालिस्तान के लिए ये कनाडा वाले सिख भाई तो लगे ही हुए हैं, वहां इनका अपना अलग गेम चल रहा है। भारत में कहां से मिलेगा खाद पानी। आप याद कीजिए CAA NRC के प्रोटेस्ट के समय, जब वो दिल्ली में हिलती कारों वाला प्रोटेस्ट हुआ था जामिया के पास, या शाहीन बाग कहते हैं ना उसको, उस समय लंगर कौन लगा रहा था, उस समय बिरयानी कौन बांट रहा था। जो सो कॉल्ड किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें चलिए पंजाब के लोग भी थे तो चलिए मान लिया, लेकिन ओवरऑल उसके पूरे मैनेजमेंट को कौन संभाल रहा था, यही लोग थे ना, क्यों संभाल रहे थे, क्योंकि भारत में तो चाहिए ना कि कोई ना कोई भाई। एक खालिस्तान मूवमेंट इनका चला जो खत्म हो गया, पंजाब को इन्होंने बर्बाद किया, फिर आबाद हुआ फिर पंजाब, अब फिर से उसी राह पर ये ले जा रहे हैं। उसके लिए इनको पाकिस्तान से मदद मिल रही है, पाकिस्तान ड्रोन से कभी हथियार भेज रहा है, कभी ड्रग्स भेज रहा है, इनकी आधी कौम तो ड्रग्स की शिकार है, मतलब पूरी जवानी पंजाब की बर्बाद हो रही है, जो बची हुई कौम है उसको ये लोग लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके लिए कनाडा से तो लोग आएंगे नहीं ना, जिसके पास पैसा रहेगा, तो उसके लिए इन्होंने ये गठबंधन बनाया। इसका ना तो धर्म से लेना देना है, अगर इसका धार्मिकता से तनिक भी लेना देना होता तो जो सिख धर्म हिंदुइज्म का पार्ट है, और यह कहने से किसी को हिचकना नहीं चाहिए कि हिंदुइज्म का ही पार्ट बौद्ध जैन और सिख धर्म है बाकायदा, और उसी को आप गालियां दे रहे हैं। उसी के साथ आप गुरु ग्रंथ साहब निकालिए, इनमें से जो भी हैं, जितने महान इनके पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पूछिए कि उसमें काली की स्तुति क्यों है, दुर्गा की स्तुति क्यों है, और ये
किसने लिखा है कि देह शिवा वर मोहे शुभ कर्मंत कबहु न टरू न डरो हरिसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। ये दशम गुरु ने लिखा है ना। शिव कौन है? शिव की स्तुति नहीं है उसमें कि काली की नहीं है कि दुर्गा की नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह ने तो जितने पद लिखे हैं वो सब शक्ति के की उपासना के हैं। तो तुम जो जड़ है तुम्हारी उससे अलग हो रहे हो और पता नहीं क्या रेगिस्तानी बर्बरों के साथ मिलकर क्या करना चाह रहे हो। तो देश का दुर्भाग्य है, इस कौम का दुर्भाग्य है, हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है। एक तो हिंदुओं ने भी 84 में जो कांग्रेस के चक्कर में ऐसा घाव दिया जिसको सिख शायद भुला नहीं पाएंगे या नहीं भुला पा रहे हैं या जो भी हो, लेकिन वहां भी मेरा यह कहना है कि आप 84 का घाव तो नहीं भुला पा रहे हो, लेकिन 47 में जो घाव आपको मिला, सबसे ज्यादा मारकाट कहां हुई थी? पंजाब में ही हुई थी ना। एक मिनट, ये आपसे किसने कह दिया कि ये 84 का घाव नहीं भुला पा रहे हैं? नहीं भुला तो पा रहे हैं, वरना कांग्रेस के साथ कैसे जाते हैं कांग्रेस? सर जब से 84 हुआ है 6 बार कांग्रेस की सरकार बनवाई है इन्होंने। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि आप जो इनके लोग तर्क देते हैं कि हिंदुओं ने ऐसा किया तो ये हो गए, तब से अलग हो गए। हिंदू और सिख तो अलग है ही नहीं, हिंदू और बौद्ध अलग है ही नहीं। ये नव बौद्ध जो हैं, ये क्या कर रहे हैं इनको पता भी है क्या? इन्होंने त्रिपिटक पढ़ा है क्या? इन्होंने बुद्धिज्म की कोई भी शाखा पढ़ी है? हीनयान महायान, इन्होंने बुद्ध की कोई भी शिक्षा पढ़ी है क्या? अच्छा, अब मैं आपको जरा बंगाल और पंजाब से अब हरियाणा की तरफ ले चलता हूं। नूह मेवात में परिक्रमा पे इन्होंने हमला किया, अच्छा खासा बवाल हुआ, लोगों की जाने गई। तो एक वर्ग की आवाज आई कि अरे ये हमारा मसला नहीं है, ये सड़क पर पड़ी लाठी हम नहीं लेंगे, उठाएंगे अपने अंदर लेंगे। जी हाँ, जाटों के एक वर्ग से ये आवाज आई कि ये हमारा मसला नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का मसला है, हमारा मसला नहीं। मैं एक अभी जब पीछे जब पहलवानों के मसले पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही थी हरियाणा में, तो एक हरियाणा की एक कोई महिला है, लड़की है, वो वहां के इंग्लैंड में रहती है, उसका एक बड़ा गर्मा गर्म वीडियो चल रहा था, तो वो मैं वीडियो देख रहा था। वो बड़ी छाती ठोक के कहती है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं जाट हूं। वो गंगा में जब मेडल बहाने गए थे तो उस पर कोई टिप्पणी कर रही थी कि गंगा से हमारा क्या मतलब है, हम किसान के बेटे हैं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं तो जाट हूं। और फिर मैंने कही है कि ये आवाजें क्यों आ रही हैं, कहां से आ रही हैं? तो बोले नहीं, इसको तो ये तो बहुत एक बड़ी अंदर अंदर एक बड़ी मूवमेंट चल रही है और जाटों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है, उनको ये बताया जा रहा है कि जो हम तो जाट भाईचारे के लोग हैं, सिख जो हैं वो सारे के सारे जाट हैं, जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं उसमें से आज ज्यादातर जाट हैं और हम जाट हैं, तो हमारा एक यूनियन बनना चाहिए जिसमें हरियाणा के जाट, पंजाब के सिख जाट और मुसलमान जो कि कन्वर्टेड हो चुके हैं और वो सरेआम कहते हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत बहुत कम है, पर आखिर एक वर्ग ऐसा तैयार किया जा रहा है ना जो जाटों को ये समझा रहा है कि नहीं हम हिंदू नहीं है। अब इसको कंक्लूड कीजिए, ये सारे डॉट्स मिलाइए, बंगाल वो सर, एक डॉट और है, पूर्वांचल के अहीरों में भी एक वर्ग तैयार किया गया है, मौर्य में भी एक वर्ग तैयार किया गया है, पूर्वांचल में कुछ अहीरों ने
एक नए किस्म की पूजा शुरू की है, जिसको शायद करहा पूजा टाइप ऐसे कुछ कहते हैं, अभी मैं उसमें डिटेल्स निकाल रहा हूं। वहां से भी एक अवतार है कि हम लोग हिंदू नहीं है वही। अब जरा डॉट कनेक्ट कीजिए आप, अब सारे डॉट्स मिलाइए, बंगाल के वो कल्चर, हरियाणा, पंजाब और पूर्वांचल ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपने जाटों का कहा, जाटों के अलावा ये नव बौद्ध जो आंदोलन चल रहा है ना, इनको अगर आप सुन लेंगे तो लगेगा कि कानों में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया है। ये बाकायदा बाजे गाजे के साथ अपने घरों से हिंदू जो तस्वीरें हैं जो देवी देवताओं की, उसको ले जाके कुएं में और गढ़े में डालते हैं। इन मूर्खों को पता नहीं है कि सनातन का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सनातन अजर अमर अक्षर है, उसको तुम नष्ट नहीं कर सकते। एक मिनट। तो इसी डॉट को हम अगर तमिलनाडु में स्टालिन के बयान से जोड़ लें, आप वो सब से जोड़िए, ये पूरा जो हमला चल रहा है ना, और इसी डॉट में ले आइए आपके वेब सीरीज, आपकी फिल्में, जो परिवार को खंडित करने की साजिश हो रही है, जो आपकी न्यायपालिका में चीजें चल रही हैं, सेम सेक्स मैरिज से लेके गे को एकदम, जैसे गे मुख्य धारा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई गे है तो उससे, क्योंकि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है तो मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि गे होना क्या होता है या होमोसेक्सुअल होना क्या होता है, मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, सही गलत या जो भी, जो कानून है किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, कानून के राइट्स मिले। लेकिन वही मुख्य धारा है, अगर आप होमोसेक्सुअल नहीं है तो आप मुख्य धारा में नहीं है, अगर आप लेस्बियन नहीं है तो मुख्य धारा में नहीं है, ये बड़ा गड़बड़ मामला है। और आप कोई भी वेब सीरीज उठाइए, कोई भी फिल्म उठाइए, आप देखिए कि अच्छी भली कहानी चल रही है, अचानक यही हो जाने लगा। तो ये सारे डॉट्स जो हैं, ये सनातन पर हमले के अलग अलग। अब अहीर कल को बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण हिंदू नहीं थे, या भगवान कृष्ण हिंदुओं के देवता नहीं है, वो राजा थे फलानी जगह के और उनको आर्यों ने जबरदस्ती मिला लिया। जैसे शिव को भी कहा जाता है ना कि शिव जनजाति के देवता थे और उनको आर्यों ने मिला लिया, तो ये मतलब बहुत खतरनाक भी स्थिति है। कंक्लूजन में ये समझना चाहिए, और दर्शकों को थोड़ा मसाला देके मैं जाता हूं कि आप सोचिए एक बार कि 1950 में पेरियार नाम का एक व्यक्ति उठता है, वह जो बातें करता है वो आज 2023 में भीम आर्मी वाले लोग कर रहे हैं। वह बात 1980 में काशीराम करके चले गए ऊपर, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, फिर भी वो हिंदू फोल्ड में ही रह के और चीजों को तय करते थे। अब ये है कि अब चूंकि इन्होंने देख लिया तो अब छोटे छोटे टुकड़े करो, अहीरों को अलग करो, सिखों को अलग करो, और हर एक तरफ से इंसर्जेंसी उठाओ ताकि इस देश के कम 200-300 टुकड़े हो जाएं, और तब उसको मिल बांट के ये लोग खाएंगे। यही इनका डिजाइन है, और इसी में ये बंगाली वो, बिहारी वो, आपके हरियाणा के वो, आपके पंजाब के सो कॉल्ड पढ़े लिखे, तमिलनाडु के सो कॉल्ड पढ़े लिखे, हर एक व्यक्ति इसी में उनकी मदद कर रहा है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपना घर जला रहे हैं, अपना पूरा भविष्य जला दे रहे हैं। बस इतनी सी बात। तो दर्शकों, ये थी आज की परिचर्चा, और ये मुझे एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड, ये इसे कहते हैं असली अलगाववाद, इसे कहते हैं कि एक पूरे की पूरी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से काट देने का जो ये प्रयास चल रहा है, ये बड़ा ही बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा नया चैनल है दद्दा बाबा की खरी खोटी, वो आला था खरी खरी, ये है खरी खोटी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और वैलोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने, मैं आपको हमेशा बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपको टांग लेता हूँ।
लिंक भेज के, तो आप आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।